छात्र मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं और एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ। इस वीडियो में मंगलुरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय में निर्धारित स्वर्ण कहानियाँ जो पठ्य भाग है, इसमें नेल कटर एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस नेल कटर के कहानी के संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कहानी पढ़ने का उद्देश्य कई होते हैं। उनमें कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ उससे शिक्षा प्राप्त करना होता है, कहानी की विशेषता समझाना और एक उद्देश्य होता है, बदलते सामाजिक परिवेश पर ध्यान आकर्षित करना कहानी का उद्देश्य है, शहरी जिंदगी की वास्तविकता को समझाना, साथ साथ मरणासन्न माँ के प्रति किशोर पुत्र की प्रेम की कहानी यह है। नेल कटर कहानी पढ़ने के बाद का परिणाम क्या है, इसकी ओर हम देखेंगे। माँ और पुत्र के पवित्र प्रेम के संबंध को इस कहानी के पढ़ने के बाद समझेंगे। बीमारी की गंभीरता जानेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गायब होती गई मानवीय संवेदना की जानकारी इस कहानी प्राप्त होता है जानकारी इस कहानी में प्राप्त करेंगे। मानवीय संबंधों के महत्व को जानेंगे। समकालीन समाज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवीय संवेदनाओं को खोजने का एक छोटा सा प्रयास इस कहानी में मिलता है। मित्रों, इस कहानी का कहानीकार है जयप्रकाश। जयप्रकाश आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर में हुआ। एक चर्चित कहानीकार, कवि, पत्रकार एवं फिल्मकार हैं। उपरांत और मोहनदास नामक दो फिल्में इनकी रचनाओं पर आधारित हैं। इनकी रचनाओं का अनुवाद कई देशी और विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। मित्रों, ये हमारे इस नेल कटर कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। इस कहानी में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है: बारीक, सूक्ष्म, खूबियां, विशेषताएं, हद, सीमा, दुनिया, संसार, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, तालीम, शिक्षा, रवे, कण, हरियरी, हरियाली, अस्तित्व, वजूद, शक्ल, चेहरा, मुस्कुराना, हंसना, आवाज, स्वर या ध्वनि। तो मित्रों, अभी इस कहानी का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उदय प्रकाश को जादुई यथार्थवाद का कथाकार माना जाता है। जादुई यथार्थवाद का कथाकार हिंदी साहित्य में माना जाता है। नेल कटर मरणासन्न माँ के प्रति किशोर पुत्र के प्रेम की कहानी है। जब बेटा 9 साल का था, तब उसकी माँ कैंसर पीड़ित होकर मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हो गई थी। जब उसका बेटा 9 साल का होता है, उस वक्त उसकी माँ कैंसर बीमारी से पीड़ित होकर के मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती। बचने का कोई उम्मीद ना पाकर उन्हें घर ले आया गया। तो डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है,
तो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनको अस्पताल से घर लाया जाता है। सिर्फ अनार का रस पीती थी वे। बोलने के लिए अपने गले में डॉक्टरों द्वारा बनाई गई छेद में उंगली रख देती थी। वह बोल नहीं पाती थी, इसीलिए डॉक्टरों के द्वारा जो यहाँ पर गले में छेद बना हुआ रहता है उस छेद को दबा करके वो बोलती रहती। यह है ट्यूब लगी हुई थी, उसी ट्यूब से वे सांस लेती थी। बहुत बारीक ठंडी और कमज़ोर आवाज़ होती थी वह। कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज़ माँ को बोलने में दर्द बहुत होता हुआ होगा, यानी वहाँ जो है कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज़ आती थी तो लगता है माँ को बोलने में बहुत दर्द होता हुआ होगा। उस यंत्र जैसी आवाज़ में घर वाले माँ की पुरानी अपनी आवाज़ खोजने की कोशिश करते। कभी कभी माँ की असली आवाज़ का एक अंश उन्हें सुनाई पड़ता था, तब उन्हें उनके स्मृति में रहने वाली माँ मिल जाती। घर वालों के बोलते लड़ते चिल्लाते सब शब्द वे सुनती थी और उन शब्दों से उन्हें राहत मिल जाती। माँ की सिर्फ आंखें बची थी, माँ की सिर्फ आंखें बची थी, जिन्हें देखकर बेटे को उम्मीद जाग उठती थी कि माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पूरे जीवन भर उसके साथ रहेगी। वह हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति चाहता था, यानी वो छोटा बेटा जो है अपनी माँ को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। चाहे ये चित्र की तरह या मूर्ति की तरह ही रहे और ना बोले, उसी तरह जिस हालत में रहती है, बोल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है, चित्र की तरह रहती है, जैसा भी जिस भी हालत में रहती है उसी हालत में अपनी माँ को अपने पास वह बेटा रखना चाहता है। चाहे ये चित्र की तरह मूर्ति की तरह ही रहे और ना बोले, माँ के बारे में सोचकर किशोर बेटा बहुत डर जाता था और रोता था। उसके जीवन में अचानक उसे कोई एक बहुत खाली, बिल्कुल खाली जगह दिख जाती थी। एक दिन माँ ने बेटे को बुलाया, अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली का नाखून एक जगह उखड़ गया था। उससे उन्हें बेचैनी होती थी। नेल कटर लाकर माँ की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। वह नेल कटर पिताजी इलाहाबाद के कुंभ के मेले से लाए थे। माँ की उंगलियाँ बहुत पतली हो गई थी, उनमें रक्त नहीं था, उनका हाथ बहुत हल्का हो गया था। बेटा माँ के नाखूनों को बहुत सुंदर, ताज़ा और चिकना बना डालना चाहता था। माँ को नाखून का हल्का हल्का रेती से घिस जाना बहुत अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर एक सुख था जब बेटा उसके नाखून काट करके उसे एक सही रूप देता है, तो तब माँ को अच्छा लगता है और उसे वह एक तरह का सुख मिलता है, जो एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर की शांति में फैला हुआ हो। बेटे ने माँ की सारी उंगलियों के नाखून खूब संवार दिए। माँ ने बहुत प्यार से किशोर बेटे के बालों को छुआ। ये पूछना चाहती थी कि बेटा तू सिर से क्यों नहीं नहाता, बालों में साबुन क्यों नहीं लगाता, इतनी धूप, मतलब इन सभी बातों में माँ का अपने बेटे के प्रति जो प्यार है, करुणा है, दया है, वह दिखता है। इतनी धूल क्यों है और कंघी क्यों नहीं करता। रात में ठंड थी, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। सुबह 5 बजे आंगन में गांव की औरतें रोती रही।
बेटे को पता चला रात में माँ के प्राण उड़ गए थे। बेटे ने उस रात सोने से पहले तकिए के नीचे वह नीलकंठ रख दिया था। बहुत खोजने पर भी आज तक नहीं मिला। वह अक्सर उसे खोजने लगता है क्योंकि चीज़ें कभी खोती नहीं हैं, सिर्फ इंसान उनकी जगह भूल जाते हैं। मित्र, इस कहानी की विशेषता यह है, नेल कटर रोज़मर्रा काम में आने वाली वस्तु है, किंतु माँ के साथ जुड़कर यह भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितनी माँ की स्मृति। कैंसर पीड़ित माँ के नाखून काटने वाला बेटा उस नेल कटर को आज भी खोज रहा है जब वह बड़ा हो चुका है। असल में यह नेल कटर की नहीं, उस संवेदना की खोज है जो हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। संबंधों में वह भावना रही नहीं जो हमारे किशोरावस्था में थी, क्योंकि तब हम संवेदनात्मक धरातल पर संबंधों को महसूस करते थे, जीते थे। संबंधों की ऊष्मा, संवेदना तथा भावना खोई नहीं है, बल्कि हम उनकी जगह भूल गए हैं। कहानी की अंतिम पंक्तियाँ कहानी के उद्देश्य तथा भूली हुई संवेदना का अर्थ स्पर्श कर देती हैं। क्योंकि चीज़ें कभी खोती नहीं हैं, वे तो रहती ही हैं। वास्तव में यह नेल कटर नहीं, संबंधों में संवेदना तलाशने की प्रतीकात्मक कहानी है। तो मित्रों, यह हुआ नेल कटर कहानी का संक्षिप्त परिचय। इस कहानी को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको स्वर्ण कहानियां डॉक्टर गिरिजा कुमार आर लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक पढ़ना है। उस पुस्तक में अंकित नेल कटर कहानी का आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जयप्रकाश की अन्य रचनाएं जो हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से यह जयप्रकाश की साहित्यिक परिचय आपको प्राप्त होता है। मित्र, इस कहानी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न यह है, नेल कटर कहानी का कहानीकार कौन है? इसके चार ऑप्शंस होते हैं, ये शरद जोशी, बी राजेश जोशी, सी प्रेमचंद, डी जयप्रकाश। इसका सही उत्तर जयप्रकाश है। दूसरा प्रश्न है, अपनी माँ को लड़का कौन सा रस पिलाता था? इसके चार उत्तर हैं, ये आम का रस, बी अनार का रस, सी नींबू का रस, डी गन्ने का रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनार का रस। और तीसरा और अंतिम प्रश्न है, लड़के की माँ को कौन सी बीमारी थी? पहला उत्तर है कैंसर, दूसरा टीबी, तीसरा उत्तर बुखार, चौथा उत्तर कोरोना। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर कैंसर है। तो छात्र मित्रों, आज के वीडियो में हमने नेल कटर कहानी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है, और आपको इस नेल कटर कहानी का विस्तार से अध्ययन करना हो तो मूल कहानी जो होती है उसका अध्ययन करना चाहिए और उससे आप परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्र मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो में और एक कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। फिलहाल धन्यवाद।